आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 सततता और अवकलनीयता का जो टॉपिक है वो है अवकलनीयता या डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फलन का अवकलन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था किसी भी फलन की कंटिन्यूटी या सततता हम किस तरीके से निकालते हैं। एक फंक्शन दिया हो तो कैसे निकालेंगे, दो फंक्शन दिए हों तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और यदि सतत पहले से है तो किसी अननोन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप पहले वाले पार्ट को आप वॉच कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से पहले इसके जितने भी आपके फॉर्मूले हैं सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर ये सारे फार्मूले आपको लर्न हो गए तो डिफरेंशिएशन में यानी अवकलन में और समाकलन में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में केवल मैं आपको फॉर्मूले ही फॉर्मूले बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर उपयोग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव। फर्स्ट इज डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब वो पावर नीचे आ जाती है और ऊपर पावर एक कम हो जाती है। इसी तरीके से डी बटे डी एक्स और एक्स का अवकलन आप करोगे तो आपको एक मिलेगा। और यहाँ डी बटे डी एक्स मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। डी बटे डी एक्स का मीन्स इतना है कि आप एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स का अवकलन। जब आप एक्स के सापेक्ष करोगे तो वन मिलेगा। ऐसे ही यहीं पर अगर आ जाए डी बटे डी एक्स और एक्स की पावर अंडर रूट में है तो आप उसे देखोगे वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन ये आया होता है ये दोनों मैंने जो लिखे हैं वो फॉर्मूले की तरह नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूले की तरह इनका उपयोग करते हैं प्रश्नों में डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये बना कहाँ से है? मेन फॉर्मूला इसका पहला वाला ही है एक्स की पावर एन का। मैं आपको डिक्टेट करके बता रहा हूँ। जैसे डी अपॉन डी एक्स हमें किसका चाहिए, एक्स। अब एक्स के ऊपर कोई पावर तो लिखी नहीं है तो हम क्या मानेंगे, वन। और वन मानेंगे तो ये बन गया एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन या एक्स की घात एन का जो अवकलन है वो क्या है, एन पहले आ जाएगा ऊपर एक कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे करो एक्स की पावर एक माइनस एक, तो एक्स की पावर क्या मिला आपको, जीरो। और किसी की पावर जीरो हो उसका मान एक होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने करना है, लेकिन इसको हम क्वेश्चंस में किस तरीके से करते हैं, प्रश्नों में हम इसको डायरेक्ट ही एक्स का अवकलन करते समय एक लिख लेते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली आया कहाँ से, आया इसी सूत्र से। इसी प्रकार अंडर रूट एक्स को मैं आपको बता रहा हूँ, डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को पहले पावर में लिखो डी बटे डी एक्स, ये आएगा एक्स की घात एक बटे दो। अब ये भी आपका क्या बन गया, एक्स की घात एन का रूप बन गया। तो एक्स की घात एन के रूप में पावर को पहले लिखो, घात को पहले लिखो एक बटे दो, और एक्स की घात एक बटे दो माइनस एक। और हम इसको करेंगे एक बटे दो एक्स की घात माइनस का एक बटे दो, और इसे जब बटे में लिखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक बटे दो या एक बटे दो अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा है आपका एक बटे दो अंडर रूट एक्स, वो इसीलिए लिखा है। ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से आया, लेकिन प्रश्नों में हम इनका उपयोग डायरेक्ट एज ए सूत्र की तरह ही करेंगे, लेकिन कैसे आए वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ और फॉर्मूले जो मेन में है। नेक्स्ट है आपका डी बटे डी एक्स। यदि कोई अचर राशि आपके पास आ जाए तो उसका अवकलन आप शून्य लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है, जैसे हमें साइन एक्स का करना हो तो साइन एक्स का अवकलन आप कॉस एक्स क्या लिखोगे, कॉस एक्स। ऐसे ही कॉस एक्स का अवकलन आप करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का साइन एक्स। और ऐसे ही टेन एक्स का अगर करने को आ जाए तो आप लिखोगे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गए आपके सेवन फॉर्मूले। नेक्स्ट एट नंबर,
टेन एक्स लिख लिया। अब देखेंगे हम कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव या अवकलन वो आपका हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है sec x into tan x, एंड नेक्स्ट आपका आता है cosec x, क्या आता है cosec x, cosec x का अवकलन माइनस cosec x into cot x। ये तो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात वाले अवकलन थे, वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है एक्सपोनेंट जो फंक्शन होते हैं, मतलब e की घात अगर x दे रखा है तो उसका अवकलन उतना ही रहता है। नेक्स्ट d बटे dx, अगर e की पावर माइनस में x आ जाए, माइनस में x, तो आप माइनस पहले लिखोगे और पावर में माइनस लिखोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आएगा d बटे dx, कहीं log x अगर आ जाए, log x का अवकलन आप करोगे तो वो आएगा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स। अगर कहीं पर डी अपॉन डी एक्स की जगह क्या आ जाए, ए की पावर एक्स। अब ए की पावर एक्स से मतलब क्या है, यहाँ जो ए है वो एक अचर राशि है, जैसे दो की घात एक्स, तीन की घात एक्स, चार की घात एक्स, तो उसका अवकलन जो होता है ए की घात एक्स लॉग ए बेस टी, ए की घात एक्स लॉग ए बेस टी। ये आपके कुछ मेन फॉर्मूले थे, कुछ और फॉर्मूले मैं भी आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोडक्ट यू इंटू वी, अगर दो फंक्शन में दे रखे हो, इसे कहते हैं गुणन का नियम। इसका नियम कहते हैं गुणन का नियम या प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में U ऐसे रहता है और B का हम डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर B ऐसे लिखते हैं और U का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। फिर आता है भाग का नियम या कोशेंट रूल, B अपॉन डी एक्स और U अपॉन B, अपॉन में अगर दे रखा है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो B का स्क्वायर V ऐसे ही और अवकलन डेरिवेटिव U का माइनस U ऐसे ही और डेरिवेटिव V का। ये दो फॉर्मूले आपके और आगे अब डिस्कस करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन क्या होते हैं, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स, सेम रहता है, बस केवल साइन और कॉस में यही अंतर है कि यहाँ प्लस है और वहां माइनस है। इसके बाद आता है टेन का, टेन का क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ट्वेंटी आपका आता है डी बटे डी एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, उसका भी फॉर्मूला यही रहता है, बस खाली माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। तो ये जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं आज इस लेक्चर में आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, और ये इस तरीके से इतनी इनकी प्रैक्टिस करनी है, इतना इनको पक्का कर लेना है, रिवाइज कर लेना है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये अगर आपको याद हो गए तो डेफिनेटली डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन यानी अवकलन और समाकलन में आपको कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। और ये 40 से एवं मार्क्स का आपका टॉपिक आता है अवकलन और समाकलन। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी या सभी स्टूडेंट्स जो हैं सारे फॉर्मूले को प्रॉपरली लर्न करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक्सरसाइज आपकी 5.3 डिफरेंशिएशन या अवकलन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ओके। बेस्ट ऑफ लक।